विगत 11 अगस्त 2018 को तकनीकी संविदा कर्मियों के मध्य प्रदेश स्तर पर एक यूनियन गठित की है, जिसके तहत हम लंबे समय से चले आ रहे शोषण को रोकने की मांग हमारी विश्वविद्यालय प्रशासनों से है। सारे विश्वविद्यालय प्रशासन एक तरफ हमें बार बार सेम पोस्ट के लिए एग्जाम कराकर नियुक्त करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश के तहत आप एक संविदा कर्मी दूसरे संविदा कर्मी से बदला नहीं जाता। इसीलिए हम चाहते हैं कि इस परीक्षा को रोकते हुए एक ही संविदा कर्मी को नियमित नियुक्ति तक रखा जाए। दूसरी हमारी मांग है कि हमें मैटरनिटी और पैटर्निटी लीव जैसी हमारे लिए कोई सुविधा नहीं है। हमें मैटरनिटी पैटर्निटी लीव मिलती भी है तो वो लीव विदाउट पे मिलती है, लेकिन 1961 एक्ट के तहत 1974 के एक्ट के तहत हमें मैटरनिटी लीव विद पे मिलना चाहिए जो हमारी महिलाएं हैं उनको। हमारा पीएफ नहीं कटता, किसी का भी पीएफ कटना चाहिए। और एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि भाई समान वेतन समान अधिकार का जब आदेश आ चुका है तो वो समान वेतन समान अधिकार हमारे लिए लागू क्यों नहीं किया जा रहा है। और बहुत बड़ा मुद्दा हमारे साथ ये है कि ये जो तुगलकी आदेश बार बार ये इन्होंने तानाशाही बना रखी है, इसको हमें रोकना है। ये जो हमारे समय लंबे समय से शोषण हमारा हो रहा है इसको हमें रोकना है। बिल्कुल सर, मेन मुद्दा हमारा है समान वेतन समान अधिकार। आगे क्या आपकी मांगे नहीं मांगी गई? आगे नहीं मांगी गई तो सोमवार से तो हम लोग काली पट्टी लगाकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। पढ़ाई किसी बच्चे की नहीं रुकेगी, हम क्लासेस लेते रहेंगे, लेकिन जब भी हमें मौका लगेगा हम विरोध करेंगे काली पट्टी लगाकर अभी। और आचार संहिता जैसी खत्म होती है उसके बाद आंदोलन करेंगे। उसको मानते नहीं है, जब कोर्ट का आदेश आ जाता है तो उसको मानते नहीं है।